हे दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं इंडियन एयरफोर्स में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि इंडियन एयरफोर्स में हो रही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है मिलते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर IAF यानी कि ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भर्ती जारी की गई है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहां पर भी हो सकती है। पोस्ट का नाम है एयरमैन। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वेरियस पोस्ट का गए है और पे स्केल आपको 14,600 से 26,900 रुपीस तक मिल जाएगा, यानी 26,900 रुपए तक आपको यहाँ पर वेतन मिल जाएगा। कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो आपको प्रोवाइड की गई है। और ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की है, तो भारत भर से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उनका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में कहां पर भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। पोस्ट का नाम है एयरमैन। पे स्केल आपको 14,600 से 26,900 रुपए तक मिल जाएगा। एज लिमिट 18 साल है, तो आपकी जो एज लिमिट है 18 साल मिनिमम होनी जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आगे जाकर देख लेंगे। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल है, तो SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होगी। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर नहीं भरनी है, पर यदि कोई छोटी मोटी प्रोसेसिंग फी यदि भरनी है तो वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की क्या है वो अब देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 5/12/2018 यानी 5 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो चुका है और 9/12/2018 यानी 9 दिसंबर तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो देखा जाए तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई करिएगा। अब हम बढ़ेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भर्ती जारी की गई है और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेलगावी, बेलकोट, विजयपुरा, बिडर, कलबुर्गी यदि दो डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटका के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन होगी जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन है। अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 और डायनेमिक फैक्टर टेस्ट यानी DFT आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से ये भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है और वो भी इंडियन एयरफोर्स में। तो यदि आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब पाना चाहते हैं तो तुरंत इस पोस्ट को अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। बहुत दिनों बाद कोई वैकेंसी निकली है और वो भी इंडियन एयरफोर्स में। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमने आपको प्रोवाइड की है, जिससे आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आसानी से इस पोस्ट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ जिस तरीके से भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी निकली है। 5 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच एग्जामिनेशन होगी और यानी देखा जाए तो ये सिलेक्शन रैली है। 6 बजे यानी सुबह के 6 बजे आपकी जो टाइम होता है आपकी रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर बताया गया है कर्नाटका में हो रहा है। तो भारत भर से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं पर उनकी पोस्टिंग कर्नाटका में होगी। तो दोस्तों, कुछ जिस तरीके से भर्ती हो रही है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो तुरंत अप्लाई करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपकी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।